चैप्टर यही होगा ना, वर्सेस, नेक्स्ट वर्सेस। हेलो हाँ बोलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बुक है सबके पास? यस सर। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय अलजेब्रिक मेथड, यही है ना? यस। हेलो जी सर, यही है। हाँ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय अलजेब्रिक मेथड, स्टडी वी डिस्कस्ड सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। कल हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, क्या डिस्कस किया? ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस सर। जी सर। यस, टुडे वी हैव टू सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। वी विल डिस्कस वन बाय वन, फर्स्ट राइट डाउन द मेथड। एलिमिनेशन मेथड और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले था, इस बार सिलेबस में रिमूव कर मल्टीप्लिकेशन सर, है ना? है सिलेबस में, न्यू बुक में है? नो सर, नहीं है। ऑफिस नहीं सर, हटा दिया है। कौन सा मेथड था बताओ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्चुअल वो मेथड था ही नहीं, एलिमिनेशन मेथड का जो आता है लास्ट में फॉर्मेट उसी को दिए। एलिमिनेशन मेथड मेन है और उसी से डिड्यूस होकर के जो आता है, एक आप फॉर्मूला कर सकते हो। सेकंड में क्या लिखे हो आप? हाँ हेलो, सेकंड में क्या लिखे हैं सर? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन। दिस टू मेथड वी हैव टू स्टडी ओनली, बस यही दो ही मेथड पढ़ना है। थर्ड वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज आउट ऑफ सिलेबस, रिमूव फ्रॉम द सिलेबस, सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है? नाउ लेट अस सी फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हाट इज दिस?
फर्स्ट है सॉल्विंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन है x प्लस वाई 8, x माइनस वाई 2। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। एज स्टेटेड सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब हुआ सब्स्टिट्यूशन का? फ्रॉम इक्वेशन सर एक का वैल्यू दूसरे के वैल्यू में पुट कर देंगे सर। सब्स्टिट्यूशन आप केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ते होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। एक के बदले अगर कोई के बदले दूसरा रिप्लेस कर देता है तो उसको सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। ठीक है यहाँ पर अदला बदली अदला बदली ठीक है बिल्कुल करेक्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से हम x का वैल्यू या y का वैल्यू आइदर x और y एनी वन फ्रॉम इक्वेशन वन x इक्वल टू क्या होगा बोलो तो x प्लस वाई 8 है x का वैल्यू क्या होगा 8 माइनस वाई सर 8 माइनस वाई राइट। Now, putting this value, x value 8 minus y है, इसको हम equation 2 में रखेंगे। From equation 1, x equal to 8 minus 1, and putting this value in equation 2. इक्वेशन टू में वन से एक्स का जो वैल्यू आया 8 माइनस वाई उसे हम टू में रखेंगे। टू हमारा क्या है इक्वेशन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टू हम क्या लिखे 8 माइनस वाई एक्स इज रिप्लेस्ड। यही जब यही सब्स्टिट्यूट हो रहा है कि एक्स का सब्स्टिट्यूट वैल्यू 8 माइनस वाई आया कहां से फ्रॉम इक्वेशन वन से वन वेरिएबल जो दो वेरिएबल टू वेरिएबल एक्स और वाई थे अब वन वेरिएबल में आ गया। वन वेरिएबल कहाँ पढ़ना है विच क्लास इक्वेशन हमें सॉल्व करना आता है। बताओ क्या होगा 8 माइनस 2 वाई सर y इक्वल टू 2 होगा सर यस सर माइनस 2 वाई इक्वल टू माइनस 6 सर और y इक्वल टू 3 ये दोनों आंसर आ गया है x और y का यस सर ठीक है यस सर यस सर। इस बार दूसरे रूप में क्या कर सकता है इसी में जाकर सब्स्टिट्यूशन में भी और वो इसके बाद कर सकते हैं कैन वी टेक अनदर स्टेप जैसे हमने फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स वैल्यू लाया कैन वी गेट फ्रॉम इक्वेशन वन वाई इक्वल टू 8 माइनस एक्स अगर वाई इक्वल टू 8 माइनस एक्स आ सकता है कि नहीं आ सकता है
यस सर आ सकता है। यस और y इक्वल टू एट माइनस x को हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर टू में, x माइनस y को बदले एट माइनस x, तो पहले क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा नहीं। यस सर ये एक तरीका है। अनदर पॉइंट, हम लोग वन से निकाल के टू में रखे आइदर वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y, क्या ये नहीं हो सकता कि फ्रॉम इक्वेशन टू हम टू से ही x का वैल्यू x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन टू टू प्लस वाई सर, टू प्लस वाई और इस टू प्लस वाई को ही हम इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे, टू प्लस वाई हो सकते हैं, टू प्लस वाई प्लस वाई एट, टू प्लस टू वाई है ना, टू वाई इक्वल टू लग रहा है, इस प्लस वाई का वैल्यू थ्री आएगा, तो है ना कहीं रास्ता, ठीक है समझ में आया। यस सर तो आप स्टेप यहाँ कहीं ले सकते हो, वन से ही हम पहले एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं, टू से एक्स या वाई का कर सकते हैं, किसी इक्वेशन से एक इक्वेशन से लेंगे दूसरे में फिट करेंगे, तो ये कई तरीका है, हो गया समझ में आ गया। यस सर चलो एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन बोलो, ये तो मैंने अपने तरफ से एग्जांपल देकर बताया, एक छोटा एग्जांपल दिया समझाने के लिए। x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. ये एक्सरसाइज क्या है ना क्वेश्चन? यस सर, x plus y equal to 14, x minus y equal to 4. x plus y equal to 14. 14. X minus y equal to 4. Yes, sir. X minus y equal to 4. 4. ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हमने दिया था, x plus y 8 और x minus y 2. अब यहाँ x plus y, x minus y 4. इसको बना के दिखाओ तो तुम लोग जल्दी करो, कैसे होगा? सर x is equal to 9 आएगा, y is equal to 5 आएगा। और दूसरा में लगा दीजिए, गेस हो गया, गेस भी किया जा सकता है ऑब्जेक्टिव, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस आता है तो गेस करके भी बना सकते हैं, और टू नंबर्स व्हिच सम इज 14 एंड डिफरेंस इन 4, तो 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 4 होता है ना, तो 9 और 5 आंसर है। यस सर, ये गेस करके जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव में ये तरीका है, ऑब्जेक्टिव में हम गेस करके बना सकते हैं, लेकिन जब सब्जेक्टिव होगा है ना, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप पड़ेगा, स्टेप दिखाना पड़ेगा, तो बन जाएगा। हाँ सर, यस सर, यस सर, आगे सर आगे। From equation 1, x equal to 3 minus y and putting in equation number 2, 14 minus y, x value minus y, 4 minus 2y, that is 4, or 14 minus 4, 2y, 10, 2y or y equal to 5 आ गया ना, और x तो यहां मालूम है, x हमें मालूम है, y का वैल्यू जैसे ही निकलेगा 14 माइनस y 5 वैल्यू 9 आ गया, तो ये हो जाएगा, ठीक है जी सर। और कोई थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स थोड़ा है, कॉम्प्लेक्स थोड़ा बोलो, ये तो सिंपल करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बोलो सर, थोड़ा डेसिमल वाला बताइए, बोलो 0.2 प्लस 0.3 वाई इज इक्वल टू 1.3, 0.2 एक्स
जीरो पॉइंट टू एक्स, जीरो पॉइंट टू एक्स सर। जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस जीरो पॉइंट थ्री वाई प्लस जीरो पॉइंट थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री, वन पॉइंट थ्री, वन पॉइंट थ्री। ठीक है यस सर। नेक्स्ट जीरो पॉइंट फोर एक्स सर। जीरो पॉइंट फोर एक्स एक्स प्लस सर जीरो पॉइंट फाइव वाई, जीरो पॉइंट फाइव वाई इक्वल टू टू पॉइंट थ्री, टू पॉइंट थ्री सर। यस इतना ही है ना? यस सर। जी सर। चलो देखो तो आपको यहाँ पॉइंट डिसिमल है, इसके वजह से समस्या दिख रहा है, ये डिसिमल में है तो कैसे करेंगे? नहीं यस सर। यस सर। पॉइंट को रिमूव कर तो हटा दो। यस सर। नीचे एलसीएम 10 लीजिए, उधर दीजिए, उधर 10। पॉइंट टू को हम क्या लिख सकते हैं? जो पॉइंट टू को 10 लिखा सकता है, 2/10। यस सर। यस सर। यस सर। 1.3 को 13/10। यस सर। इसके बाद यहाँ क्या आएगा? 10 दोनों को फोन कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर। यस सर। 2x + 3y 13 हो गया। क्वेश्चन वन यहाँ डाल दो। आया समझ में? जिस पल हट गया। यस सर। कल में कैलकुलेशन, डिसिमल का कैलकुलेशन थोड़ा होता है रिस्की, इसमें गलती होने का चांस ज्यादा होता है जो भी ऑपरेशन हम करेंगे। तो डिसिमल को हटा दो, एक झटके में हट गया डिसिमल। और इसी प्रकार सेकंड हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली सेकंड क्या होगा? 4x + 5y = 23। डिसमल की वजह से लग रहा था तुम लोगों को समस्या, डिसमल हट गया। अब 2x + 3y 13, 4x + 5y 23। हम सब डिसमल मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है तो इक्वेशन वन से एक्स वाई डिग्री का वैल्यू लाकर सेकंड में रखना है। सर आप प्रिंस को बाहर निकाल दीजिए। प्रिंस है? प्रिंस पे चुप रे, प्रिंस है, प्रिंस प्रिंस बोल रहा है। 10B का है स्टूडेंट, 10B का है। 10B का नहीं है सर, कहीं और का ज्वाइन किया है। अच्छा बाहर का है ये? हाँ बाहर का आदमी है सर। वो चला गया कि है अभी? अभी है या चला गया? भाग गया सर। भाग गया। हेलो चल गया सर, चल गया। अभी तो नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है। पहचान पाए आएगा अगर क्लास से बाहर का जैसे ही कोई आता है। यस सर। क्लास से बाहर का एंट्री करेगा बताना, साथी वो चला नहीं जाएगा। चलो ठीक है, अब से ध्यान देना, जैसे ही आएगा बताना, रिमूव कर देंगे। ठीक है सर। तो फ्रॉम इक्वेशन वन 2x + 3y 13, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन वन क्या होगा? 2x = 13 - 3y, 3y माइनस हो जाएगा। x =
13 minus 3y by 2. ठीक है, and putting this value in equation number 2 में अब हम रखेंगे. 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 यहां देखो है 4 इंटू एक्स. एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे हम? 13 माइनस 3 बाय 2 और प्लस 5 बाय इज इक्वल टू 23. ठीक है, तो 4 ये सुरभि कुमारी कौन है? सुरभि कुमारी कौन है? अपने क्लास का है. यस सर. यस सर. चलो ठीक है, तो 4 2 से कैंसिल हो जाएगा. देखो यहाँ 2 इंटू, देखो इस जगह पर गलती तुम लोग करते हो मल्टीप्लाई करने में. आप जब जल्दीबाजी करते हैं तो यहाँ पर मिस्टेक होने का चांस ज्यादा रहता है. ये 4 को तो 2 से हम लोग कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, लेकिन यहाँ 2 इंटू 13 सिर्फ 26 लिख के और माइनस 3 वाई कर देते हो, तो ये गलत है. 10 मिनट अभी है ना, नॉट नाउ, अपग्रेड नाउ. कुछ है 5 मिनट है सर. हाँ ठीक है, यहाँ पर गलती का चांस रहता है. देख लो, दिस इज द पॉइंट वेयर मैक्सिमम स्टूडेंट कमिट मिस्टेक. टू से 4 को काटते हैं और 2 इंटू 13 26 एंड माइनस 3 वाई, तो ये रॉन्ग हो जाता है. यही गलत हो गया. तो 2 से हमको पूरा में मल्टीप्लाई करना है. एक तरह से 13 माइनस 3 वाई वन फैक्टर है, 26 माइनस 6 वाई प्लस 5 वाई इक्वल टू 23. माइनस 6 वाई प्लस 5 क्या होगा बोलो सर? माइनस वाई. माइनस 6 वाई प्लस 5 वाई. माइनस वाई सर. माइनस वाई. माइनस वाई, तो माइनस वाई को हम राइट साइड लेके चले जाएंगे, प्लस वाई और 23 26 माइनस 23, 23 को 26 के तरफ लाया माइनस, और माइनस वाई, वाई इक्वल टू 3 आ गया. आया समझ में यहाँ पर? यस सर. वैल्यू पुट करने के बाद ये वन वेरिएबल का इक्वेशन बन जाता है. तो इस तरह का इक्वेशन को हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 8 है ना, तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए. तो y इक्वल टू 3 आ गया और x का वैल्यू यहाँ लिखा निकला हुआ है, तो y का वैल्यू 3 यहाँ रखो, x निकल जाएगा. दो आएगा सर x का वैल्यू. ठीक है ना, देखो 13 माइनस 9 4 बाई 2 यानी 2 आएगा. x 2 y 3 आंसर हो गया. x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3. आया समझ में? यस सर. जी सर. बोलो. हेलो. यस सर. जी जी बोलिए सर. टाइम गो हो गया. फिर कौन किया? अब ठीक है, तो आगे बनाओगे तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से? कल फिर बताएंगे एलिमिनेशन मेथड. हेलो. यस सर. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से और है, कल फिर एलिमिनेशन मेथड बताएंगे. ठीक सर.
ओके थैंक यू थैंक यू सर।